नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, जो कि आपने देखा है डिजिटल वेलबींग के ऊपर जो सीरीज चल रही है, उसमें दोस्तों एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है आपके मोबाइल डेटा और आपकी बैटरी को लेकर। जो सबसे बड़ा एडवांटेज हम आपको आज बताने जा रहे हैं दोस्तों, आपने देखा होगा ये जो सभी एप्लीकेशंस होती हैं और ये सभी जो जब डेटा हमारा ऑन रहता है यहाँ से, तो ये सब रन कर रही होती हैं बैकग्राउंड में, नोटिफिकेशंस आ रहे होते हैं, रिफ़्रेश हो रहे होते हैं, सारी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं दोस्तों। और इनमें से काफ़ी सारे ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जिनको आप महीने में, हफ्ते में, 15 दिन में कभी कभार एक आध बार यूज़ करते हैं, और जिन्हें ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं कर सकते दोस्तों, या आप नहीं करते हैं उन्हें, आप एक काम कीजिए, यहाँ पर आइए डिजिटल वेलबींग में। यहाँ पर डैशबोर्ड का ऑप्शन दे रखा है। यहाँ दोस्तों डैशबोर्ड में आप जैसे ही यहाँ नीचे आएंगे, देखिए ये हमारे वो एप्लीकेशंस हैं जिन पर हम जो है अमूमन जिन्हें यूज़ करते हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं नीचे जो टाइमर लिखा आ रहा है। इसके साथ ही दोस्तों हम आपको कुछ एप्लीकेशन दिखाते हैं, देखिए जैसे गेम सेंटर, म्यूज़िक, थीम, वी एप स्टोर, vivo.com, ये इस तरीके के कुछ एप्लीकेशंस हैं जो कि पीछे डेटा यूज़ करते हैं, और इन्हें आप जो है किस तरीके से रोक सकते हैं, बंद कर सकते हैं, ये दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। आप जो है किसी भी एप्लीकेशन को ले लीजिए, मान लीजिए हम ये ऑफिस को ये बैकग्राउंड में रन हो रहा होता है, तो ये जो आपको सिंबल दिख रहा है यहाँ पर, आप इसको क्लिक करेंगे, और यहाँ पर जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास आएगा दोस्तों एक टाइमर जिसमें लिखा है दिस ऐप टाइमर फॉर ऑफिस विल रिसेट एट मिडनाइट। हम यहाँ इसको ज़ीरो कर देते हैं, और जैसे ही हम यहाँ ज़ीरो कर देंगे तो ये जो है यहाँ पर अब बैकग्राउंड से बंद हो गया है दोस्तों, और ये देखिए आपको इसका कलर भी ब्लैक एंड वाइट में दिख रहा है, अब ये बैकग्राउंड में रन नहीं कर रहा है। और जैसे ही हम ऑफिस में जाएंगे, ऑफिस का जो हमारा ऑप्शन है वहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ लिखा आ गया है कि आपने इसको पॉज कर रखा है आपके डिजिटल वेलबींग के टाइमर से, वहाँ से आप इसको सेट कीजिए, और अगर आप वहाँ टाइम सेट कर देंगे तो ये थोड़ी देर के लिए ओपन हो जाएगा, आप जितना भी टाइम जो है इसमें सेट कर दें यहाँ पर देखिए। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं दोस्तों, कुछ टाइम बाद आपको लगता है कि अब हम उस ऐप को फ्रिक्वेंटली यूज़ करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से जो है ऐप टाइमर को डिलीट कर दीजिए, ऐप टाइमर आपका डिलीट हो जाएगा और आपका जो एप्लीकेशन है वो नॉर्मली इस तरीके से फिर से काम करने लगेगा। तो दोस्तों ये जो एप्लीकेशंस हैं, देखिए कितने सारे एप्लीकेशंस हैं, इन एप्लीकेशंस में आप काफ़ी सारे एप्लीकेशंस को ट्रेस कीजिए, पता कीजिए कौन से ऐप्स को आप नहीं चलाते हैं। देखिए कितने सारे एप्लीकेशन 0 मिनट्स पर हैं, मतलब कि आज उनका इस्तेमाल नहीं किया गया, ऐसे ही ऐप्स को आप आइडेंटिफाई कीजिए दोस्तों, क्योंकि बैकग्राउंड में ये दोनों चीज़ों को खा रहे होते हैं, हम कह सकते हैं हमारे डेटा को, मोबाइल डेटा को, वाईफाई डेटा को, और एज वेल एज आपकी बैटरी को भी ड्रेन कर रहे होते हैं। बैटरी भी जो है बैकग्राउंड में इनके साथ चल रही होती है, और बैटरी का भी सबसे बड़ा इशू होता है दोस्तों, जब आप ये मोबाइल फ़ोन देखेंगे और इसमें आप देख सकते हैं कि कम से कम 100 से ज़्यादा एप्लीकेशंस यहाँ पर जो है हमने इंस्टॉल की हुई हैं, ये सभी बैकग्राउंड में चलती हैं। तो आप इस आसान से तरीके से अपने मोबाइल डेटा को और बैटरी को भी जो है दोस्तों बचा सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, थैंक यू।